गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो वेज, जो अभी यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। सो मैंने भी सोचा कि मैं भी घर पर ट्राई करती हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले चाहिए बड़े वाले पोटैटो। उसे आप देख ही सकते हो वीडियो में मैं कैसे कट कर रही हूँ, वैसे ही करना है आपको, और बहुत ही अच्छे वाला। तो इसे मैं कट कर रही हूँ उसी तरह से आपको कट करने है। उसके बाद एक बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर मैंने थोड़े से आइस डाले थे और उसमें सारे वो पोटैटो मैंने कट किए हुए अच्छे से साफ कर लिए। और उसके बाद मैंने गैस पे एक पैन रखा, उसके अंदर पानी रखा और मैंने जो पोटैटो वॉश कर दिए थे ना वो उसमें डाल दिए। और बाद में उसमें थोड़ा सा नमक, उसे बॉईल करना है पर बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, थोड़ा सा बॉईल करना है। उसके बाद मैं एक दूसरे बाउल में अपने पेस्ट बना रही हूँ, उसमें मुझे मैदा, कॉर्नफ्लावर और चिली फ्लेक्स, ओरेगानो, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है और गार्लिक डालना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी डालो, आपके पास बटर हो तो बटर डालना, वरना आप ऑयल भी डाल सकते हो। सो वो सब मैंने डाल दिया। लास्ट में मैंने कोरिएंडर लीव्स डाले और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो हमारा ये बैटर अच्छे से मिक्स हो रहा है, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया है। सो ऐसे ही बनाना है आपको। ये हमारा बनकर रेडी है। तो मैंने वो बॉईल किए हुए पोटैटो अब ये हमने जो पेस्ट बनाया है ना उसके अंदर डालना है और इसे अच्छे से फ्राई कर देना है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी पोटैटो वेज बनते हैं, आप देख ही सकते हो ये वीडियो में। मुझे तो अभी भी देखकर पानी आ गया मेरे मुँह। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमारा क्रिस्पी पोटैटो वेज बनके रेडी हो चुका है, आप देख ही सकते हो इस वीडियो में। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।